ये दास्तान है उस दिल की जो बिछड़ के भी ना बिछड़ सका। ये दास्तान है उस दिल की जो बिछड़ के भी ना बिछड़ सका, उसको अपना ना कह सका। नादान था, बदनामी के आलम में दफन हो गया, जो इसको हर वक्त चाहता था वो उसको अपना ना कह सका। तीसरी में उसको पहली दफ़ा देखा था मैंने, तब थोड़ा नादान था मैं। पहली नज़र में मुझे मानो जीने की वजह मिल गई हो, उसकी रूह तक पढ़ लियो ऐसा लगा था मुझे। उसका पहला दिन था स्कूल में, जब वो थोड़ी इनसिक्योर सी थी, डरी सी सहमी सी आवाज़ में उसने दोस्ती के हाथ बढ़ाए थे, पर बच्चे नादान थे शैतानी के आलम में उसको डराते चले गए। जब वो खामोश रहती थी तो बड़ी क्यूट सी लगती थी, मैं बहुत अजीब सी हरकतें करता था उसको देख के, और वो इस बात पे मुझे बुद्धू कहा करती थी। बड़ा प्यारा लगता था वो वर्ड जब वो मुझे ऐसा कहा करती थी। तभी स्कूल में एक जन्माष्टमी का फंक्शन हुआ, जिसमें बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद मुझे बस उसके सामने खड़े रहने का एक मौका मिला। मैं अंदर से बहुत खुश था, मानो मैंने दुनिया जीत ली हो। उसको देखता रहा मैं पूरे फंक्शन में, और वो मुझे देखकर हंसा करती थी, स्माइल किया करती थी। उसकी नादानी से ही मुझे प्यार हो गया था। ऐसे करते हुए स्कूल के दिन खत्म हुए, मैं उसको कुछ कह पाता, पर वक्त से पहले ही वो गायब से हो गए। 8th क्लास में फिर मुझे उसकी FB ID मिली। 6 महीनों तक मैं उसके मैसेजेस और फ्रेंड रिक्वेस्ट में अटका रहा। फिर कुछ दिनों बाद उसका मैसेज आता है, हाय। मैंने धीरे धीरे उसको अपनी सारी दिल की बात कही, पर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसको पा सकूं, पर उसको मेरे प्यार की कदर ना थी। मैं उसको हर दुआओं में मांगने लगा, फिर भी कुछ ना हुआ। मैं उसकी ज़िंदगी से चला गया जैसे अब कभी लौटूंगा नहीं। तभी एकदम 8 महीनों बाद उसका एक मैसेज मिलता है कि तुम मुझे पसंद हो। मैं उसे मिलके पूरी आरजू से अपने प्यार का घुटनों पे बैठ के इकरार करता हूँ, पर वो मेरे सामने ही किसी और का होने लगती है। उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड को उस वक्त प्रपोज कर दिया था मेरे सामने, बट उस वक्त मैं अपने घुटनों पे था। ऐसा मुझे डेयर मिला था कि मैं अपने घुटनों बैठ के उसको प्रपोज करूँ, और उसने मेरे सामने मेरे बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज कर दिया था। एट दैट टाइम आई वॉज ऑन माई नीज, एंड समझ सकते हो कितना ज़्यादा हर्टिंग था वो। बट फिर भी मैं बिखर जाता हूँ, मानो किसी ने सीने से लगा के भी पराया कह दिया हो। फिर उसी शाम उसका इजहार होता है मेरे प्यार के लिए, उसके प्यार का इकरार होता है, मुझे भगवान पे विश्वास होता है। फिर कुछ ही समय बाद उस विश्वास का भी नाश होता है। तभी उसकी बातें याद आने लगती है। वो कहा करती थी कि शादी तो मैं सिर्फ तुमसे ही करूँगी, अगर घर वाले नहीं माने तो भाग के करूँगी, क्योंकि ज़िंदगी मैंने बस तुम्हारे साथ ही देखी है। बट ये सब एक कहानी की तरह ही मिट जाता है। अच्छा लगता था ये सुन के उस समय कि कोई सिर्फ मेरे लिए जीता है, पर उसने झूठ का सहारा लेके रिश्तों को अंजाम देना शुरू कर दिया। पता उसे आज भी है कि मुझसे ज़्यादा प्यार उसे कोई नहीं कर सकता। मजा ले किसी में कोई अपने आप को भुला के किसी को चाह ले। रोज़ दिन गुजर रहे हैं, जिंदगी ख़त्म हो रही है, पर उसके लिए प्यार तो बढ़ता जा रहा है। फिर वक्त ने एक ऐसा सिलसिला खेला कि वो देखते देखते किसी और की हो गई, और मैं देखते देखते उसका। कल तक जो जगह वो मुझे दिया करती थी, जो वादे सिर्फ मेरे साथ किया करती थी, जो हक कल तक सिर्फ मेरा था, जिन लफ्ज़ों का हकदार सिर्फ मैं था, आज वो एक अनजान को जानने का दावा करते हुए उसने मुझे और मेरे प्यार को ठुकरा दिया। मैं तो बदल गया किसी कहानी की तरह, वो तो बदल गया किसी कहानी की तरह, मैं एक पाठ की तरह कभी ना बदल पाया। आस आज भी है, अगर उसे याद आ जाए वो दिन जिनमें वो जिया करती थी, तो शायद वो लौट आए मेरे पास। पर पता नहीं क्यों जो ये दर्द है ना, बहुत दर्द देता है, अंदर खोता खरोता है। रोज इंसान मरता है इसमें, अपने आप से रूठ जाता है, अपनों से टूट जाता है। छोड़ने वाला तो किसी और की बाहों में पना लेता है, पर जो छूटता है वो जिंदगी से भी छूट जाता है। बेसिकली ये स्टोरी मैंने अपने आप पे लिखी थी। मैं एक रैपर भी हूँ, तो मैंने कुछ उसके लिए वर्ड्स भी लिखे थे कि काश जिन ख्वाबों से मैं लिपट रहा उन ख्वाबों से तू दूर चली हो, मेरा जिन ख्वाबों में तेरा होना ख्वाब था उन ख्वाबों से तू मजबूत बनी हो, मगरूर हुई हो खामोशी में खामोशियों में खामोश खड़ी हो, तू सच्ची कहानी हो वो जिसमें बातें सारी हाँ झूठ लिखी हो। थैंक यू गाइस।